दोस्तों इसको स्टीम दी जा रही है, स्वेदन कहते हैं, और ये दसमूल क्वाथ का दिया जा रहा है जो कि सोराइसिस पेशेंट को ठीक करने के लिए सर्वांग स्वेद दिया जा रहा है। और इसको देख सकते हैं सोराइसिस है और इसके छोटे छोटे स्पॉट हैं और इसको खुजली जैसा महसूस होता है। लगभग 10 साल से इसको सोराइसिस है और इधर उधर इलाज करा रहा है लेकिन पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पा रहा है। तो इसको आयुर्वेद पंचकम में जो दिया जाने वाला ट्रीटमेंट है, इसको वमन विरेचन पहले दिया गया है। वमन मतलब उल्टी और विरेचन मतलब मोशन कराए गए हैं, और इसके बाद इसको सर्वांग धारा दी गई है जो कि आरोग्यवत नीम करंज और मदार के पत्ते का क्वाथ बनाया गया है। फिर इसको बाद इसको सर्वांग धारा दी गई है। सर शरीर में देखिए धारा दी जा रही है और इसको जो कि आरोग्यवत और नीम करंज मदार के पत्ते के क्वाथ बना के ये धारा दी जा रही है। फिर इसके बाद इसको सर्वांग धारा के बाद इसको सर्वांग स्वेद दिया जाता है। सर्वांग स्वेद में जो औसत का क्वाथ लिया जाता है वो दसमूल क्वाथ लिया जाता है, जिसमें कि आने वाली औसत बिल वग्निमन टुंटुक पाटला गंबारी सालपर्णी प्रसपाड़ी वत्री की कंटकारी कोचूर इनका क्वाथ बनाकर इनका भाप दिया जाता है, जो कि एक प्रकार के यंत्र के अंदर उस पेशेंट को बैठाया जाता है और स्टीम दिया जाता है। इससे पेशेंट के ललाट में जब तक स्वेदन नहीं हो जाता, स्वेद नहीं आ जाता, तब तक ये उत्तम स्वेद नहीं आता। कितना आराम है पहले से? पहले से बहुत आराम है, आगे मतलब बढ़ा नहीं, घटता जा रहा। 100 रुपये में कितना आराम है? तो 75 पैसा जान पर रहा। अच्छा, अब कितने साल से है आपको ये बीमारी? 2012 खुजली होती थी दादा?